बीच बिजनौर से बेखौफ बदमाशों ने की है पुलिस टीम पर फायरिंग। आपको बता दें कि पुलिस से सामना होने पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों की फायरिंग में दारोगा को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है और एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा है। घायल दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया बदमाश 15,000 का इनामी है। तो तस्वीरें इस बीच आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि घायल दारोगा का जहां अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, दारोगा का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, तो वहीं इस बीच एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समाचार प्लस पर। एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा है। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को भी गोली लगी। ये थाना मंडावर में गोपालपुर और बालावली के बीच में जंगलों में आज एसओ मंडावर जो है अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी तेजी से निकले। संदिग्ध होने पर इन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो इनको अवॉइड करके आगे की तरफ भाग गए। तो उसमें से जो दूसरा वाला था, जब इन्होंने और लड़कारा उसको, तो दूसरे वाले ने उतर कर इनको फायर कर दिया। इतनी बीच में चूंकि इन्होंने फायरिंग चालू कर दी, तो दूसरा वाला भाग गया। ये व्यक्ति पुलिस की गोली से घायल हुआ। इसमें पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। ये जो है व्यक्ति, अब तक जो पता चला है, ये आफ्ताब पुत्र ईशा नाम का व्यक्ति है, जो कि नूरपुर से इसका हिस्ट्री शीट भी है और गैंगस्टर भी है। इस पर हमारा टोटल 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित हो चुका है।